वेलकम टू टेक ज्ञान टुडे। और आज हम बात करेंगे डेटा हाइडिंग टेक्निक की। बेसिकली डेटा हाइडिंग जो होता है, एक प्रोसेस है डेटा को हाइड करने के लिए दूसरों से। बेसिकली जो डेटा हाइडिंग टेक्निक है वो एथिकल हैकिंग में यूज़ होने वाली एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है। हैकर्स बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं ऐसे ही डेटा हाइड करके, और आप पता भी नहीं चलता आपके सिस्टम में कब वो चीज़ प्लांट कर दी गई और कब आपके सर्वर की इंफॉर्मेशन, आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन उनके रिमोट सर्वर तक यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डेटा हाइडिंग टेक्निक पे बात करेंगे अपन। पहले एक इमेज के अंदर दूसरे इमेज को हाइड करने की, फिर एक ही इमेज के अंदर एक MP3 हाइड हो सकता है या नहीं, एक PDF हाइड हो सकता है या नहीं, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हाइड हो सकती है या नहीं। तो फर्स्ट अपन इनकी एक कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि इनको डैमेज करने से ज़्यादा अच्छा है। सबकी कॉपी बना के मैंने रीनेम कर लिया है, सिर्फ हाइड करने के लिए ईजी पड़े और कमांड प्रॉम्प्ट में हम इसको ईजिली यूज़ कर सकें। इसलिए अब एड्रेस बार में CMD कमांड डाले, जिससे ये ओपन होगा कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद सिंपल सी कमांड है copy forward slash b। अब जो फाइल नेम डालना है, जिसके अंदर कॉपी करना है, जो स्लैश बी है वो रिप्रेजेंट करता है बिट कोड को। बिट कोड क्या होता है मशीन अंडरस्टैंडिंग के लिए? मशीन्स हर फाइल का एक बिट कोड जनरेट करती है, जो कि सिस्टम समझ सके, मशीन समझ सके। उसी बिट कोड को ये जो इमर्जिंग फाइल है उसके बिट कोड से कॉपी कर लेगा। तो हम हर फाइल को ऐड करके देखेंगे 1 में। तो अब इस पे पहले इमेज से एक इमेज को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को हमें चाहिए एक zip टूल, जिससे इस इमेज को कन्वर्ट कर लें एक zip फाइल में। मैंने कर लिया है 1.merge RAR। अब ऐड करते हैं 1.merge.rar और टारगेट फाइल जिसपे ये सोर्स कोड कॉपी करना है, जिसपे सॉरी बिट कोड कॉपी करना है। ओके, फाइल कॉपी हो गई। अब देखो आप इसका साइज हो क्या है, 72.9 KB का, जबकि ये जो 1 था एक्सेस डिनाइड का, उसका ओरिजिनल साइज है 36.4 KB का। मतलब लगभग डबल हो गई है, जिसपे 1.merge जो है वो 36.5 KB है, जो इस पे और ऐड होके 72.9 KB टोटल साइज हो गया। तो इसको देखें कैसे, इसको देखने के लिए सिर्फ इसी को देखा जा सकता है, जो फर्स्ट हाइड फाइल होती है उसको देखा जा सकता है ओपन करके WinRAR पे। उसके बाद की जितनी भी फाइल हाइड होंगी उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए 1.merge आपको दिख पा रही है, जिसको आप ओपन तो नहीं कर पाओगे इसलिए क्योंकि वो हिडन सोर्स पे है, बट पीछे दिख रही है आपको। और ये बैकग्राउंड में अगर मैं इस फाइल को किसी भी चीज़ में ओपन करता हूँ, जैसे मैं इसको पिक्चर मैनेजर में ओपन करता हूँ, तो बैकग्राउंड में जो फाइल थी 1.merge वो भी चल रही है प्रॉपर। अब देखते हैं क्या इस फाइल में जो 72.9 KB की है, एक PDF मर्ज किया जा सकता है या एक PDF हाइड किया जा सकता है। तो अगेन सेम कमांड, और यहाँ पे बस हमें चेंज करना है एक्सटेंशन प्लस नेम। तो इसका नाम है 2.PDF फाइल कॉपीड। अब इसका साइज कितना है, 154 KB, और अब इसका साइज हो गया है टोटल 227 KB, जिसका पहले साइज था 72.9 KB, जो अब हो गया है 227 KB। दैट मीन्स कि 154 की फाइल इस पे और ऐड हो गई है, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। देखिए मैं इसको फिर से WinRAR में ओपन के दिखा रहा हूँ, नहीं ओपन हो रही है। दैट मीन्स फाइल तो है, क्योंकि दिखा रहा है आपको साइज, लेकिन आप उसको अब एक्सेस नहीं कर पाओगे। बैकग्राउंड में वो फाइल प्रॉपर चल रही होगी।
ट्राई करते क्या MP3 भी हो सकता है मर्ज। तो MP3 भी डेटा हाइडिंग में हाइड किया जा सकता है। चेक कर लेते अपन, बस हाइड करना है 3.MP3 और ओके। सो ये भी फाइल कॉपीड। अब देखो आप इसका 3.MP3 का साइज जहाँ 1.48 MB है वो, और वन का अब साइज हो गया है टोटल 1.70 MB। मतलब जो पहले की फाइल थी वो इस पे और ऐड हो गई है। 3.MP3 की फाइल भी ऐड हो गई है वन में। अब देखते क्या कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल भी इस पे ऐड की जा सकती। तो हाँ बिल्कुल एग्जीक्यूटेबल फाइल भी ऐड की जा सकती। ये टेलीग्राम का डेस्कटॉप सेटअप है जो रन करके मैं दिखा दूं। हाँ ये सेटअप करप्ट नहीं है, चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। मेरे पे प्री इंस्टॉल्ड है तो मैं नहीं करूँगा ओवरराइड। अब इसको ऐड करेंगे अपन वन के अंदर। ये बेसिकली ये ही टेक्निक यूज़ की जाती है फाइल्स को हाइड करने के लिए और उनको आपके सिस्टम पे प्लांट करने के लिए, वायरस को आपके सिस्टम में प्लांट करने के लिए। सो अगेन सेम कमांड और ओके, फाइल कॉपीड। अब देखते हैं t.exe का फाइल था 20.6 MB और अब ये हो गई है 22.3 MB की। दैट मींस दोनों फाइलें ऐड हो गई हैं। तो आप देख पा रहे हो कितने इजीली मैं किसी भी टाइप का फाइल फॉर्मेट एक फाइल के अंदर एडिट करता जा रहा हूँ, डेटा हाइड होता जा रहा है। ये डेटा हाइडिंग टेक्निक जो है ये एथिकल हैकर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली ये यूज़ की जा सकती है ईमेल बॉम्बिंग के लिए। ईमेल बॉम्बिंग के अलावा ये टेक्निक यूज़ की जाती है व्हाट्सएप बॉम्बिंग के लिए। मतलब व्हाट्सएप पे आपको ऐसी कई सारी फाइल्स देते हैं जो आपको दिक्कत पे प्रॉब्लम हो, दिक्कत क्रिएट कर सकती है आपके लिए। ठीक है, अब इन फाइल्स से बच कैसे सकते, इनको बच कैसे सकते, बचने के लिए सिंपल सी टेक्निक है इससे बचने के लिए। जैसे आप देखो एक्सेस डिनाइड, ये इसके डायमेंशन के हिसाब से देखें तो इसका डायमेंशन जो है 624x344 pixels, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है और इसका फाइल साइज भी उस हिसाब से ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये सस्पेक्ट इसलिए क्योंकि इसका डायमेंशन कम है, जबकि इसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन फाइल को देख सकते हैं कि वो कॉपी हो रही है या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और सेम कंटेंट अगर और चाहिए।